कितना आ गया चेंज इन वॉल्यूम? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। कितना आएगा? रब करूं क्या? रब करूं क्या? यस सर। और आप चाहें देखिए थोड़ा शॉर्ट में मैं इसको बता रहा हूं, माइनस डेल्टा वी को एरिया इनटू डेल्टा वाई, वाई में चेंजिंग डिवाइडेड बाय, इसको हम लिखेंगे एरिया इनटू डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? या डी वाई बाय डी एक्स? ये समझ में आ रहा है या मैं एक्सप्लेन करूं या फंक्शन से कोरिलेट है? एक्सप्लेन करो। अच्छा कर लिख लो, मैं कर एरिया से एरिया कैंसिल माइनस डी वाई बाय डी एक्स। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये स्ट्रेन हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ, और एक्सप्लेन करते हैं यहां तक लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करते। रब करूं क्या? मैं रब करूं देखो कैसे होता है। यह वेव है जिसका वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी एक फंक्शन है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इक्वेशन जो होता है ए साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स, यही होता है ना? हाँ या ना? या टी और एक्स दोनों का फंक्शन होता है, होता है कि नहीं होता है? क्लियर हो रहा है? अब यह वाई क्या पोजीशन है, अब ये आगे बढ़ेगा तो पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा? या जब आगे बढ़ेगा तो पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मान लीजिए आगे बढ़ा तो यह हमारा फंक्शन हो गया, डेल एक्स, डेल एक्स आगे बढ़ा, क्लियर? इतना आगे बढ़ गया डेल्टा एक्स आगे फंक्शन बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ लिख सकते हैं? या चेंज इन पोजीशन हुआ मतलब फंक्शन हमारा क्या था? एक्स ऑफ टी था, या आगे टाइम के साथ बढ़ते जा रहा था, जब टाइम के साथ आगे बढ़ेगा तो उसका चेंजिंग यह हुआ, ओरिजिनल लेंथ यह हुआ, तो यह चेंज इन लेंथ हुआ। देखिए तो देखिए तो, और यह किसमें चेंजिंग आया? वाई में। यह किसमें चेंजिंग आया? लेंथ ऑफ वाई। कंसेप्ट को समझना, मेरी बात समझो, ये थोड़ा सा फंक्शन से रिलेटेड है, ध्यान दो पहले समझो। मान लो कि यह वाई यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे वाई है, इसका फंक्शन इस पॉइंट पे
y of x comma t है, ध्यान देना प्लीज। अब ये कुछ टाइम के बाद यह कहां पे चला गया, यहां पे आ गया। तो इसका फंक्शन क्या होगा, y x प्लस डेल्टा x कॉमा टी, ये बात समझ में आया क्या, इसका इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x, मतलब x में इतना बढ़ गया ना भाई, इतना बड़ा कि नहीं बड़ा x में, या डेल्टा x yes, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इतना y में चेंजिंग हुआ तो ये तो डेल्टा y कहलाया। डेल्टा एक्स दोनों तरफ डिवाइड कर दो, क्लियर हो, क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपने इसको क्या बोला, फाइनल लेंथ इनटू एरिया, ये ना बोला, यहां ए वाला लेंथ है, ध्यान दीजिए दार, इसको आपने फाइनल लेंथ इनटू एरिया, तो यह क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, यह फाइनल वॉल्यूम होगा, लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, यस माइनस यह इनिशियल वॉल्यूम होगा इनटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिख लो, और यही तो हमने बताया था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, अभी बताया था ना, हाँ सर, लिख लीजिए जल्दी लिख, जल्दी लिख, रख करूं, रख करूं, मतलब फाइनली हमने क्या सीखा, क्या देखा, डेल्टा वी बाई वी जिसको कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं क्या होता है, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि फाइनल कम होता है, फाइनल कम होता अभी बताया था। अब बताइए बल्क मॉडुलस में आप जाइए, आपने क्या बोला था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू बल्क इंटू बल्क मॉडुलस इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, यही बोला था ना, यस सर, यह क्या था, प्रेशर, अभी आपने बोला था प्रेशर, बोला था ना, फोर्स अपॉन एरिया, यस सर, यस सर, बी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ को मैं ऐसे लिख दूं क्या, क्योंकि देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ यहां पे, तो एक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया गैसियस मॉलिक्यूल्स में,
यही फॉर्मूला के लिए इतना हमने किया। या प्रेशर फॉर्मूला है। अब आप सोचेंगे, पूछ रहे होंगे या दिमाग में आ रहा होगा, पांडे सर आप तो सब में पढ़ा रहे हैं, प्रेशर का क्या यूज आ गया? तो देखो मेरी बात ध्यान दो, स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी बता रहा हूं। जब हम कोई बोलते हैं तो देखो, बोलते वक्त अपने हाथ मुंह के सामने हाथ रखो, आपको देखेंगे कि जितना आवाज आप बोल रहे हैं आपके हाथ के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? आप फील कीजिए, आप बोल के देखिए, एकदम फील होगा। वही प्रेशर के वजह से यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, इसमें क्या यह जो वेव वेलोसिटी, इसका क्या वेलोसिटी होगा, उसका रिलेशन निकालेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। चल आज यही, कल से फिर वेलोसिटी निकालेंगे। ओके थैंक यू सर। ओके बाय। इसको रिवीजन कर लेना, देख लेना। सर कल कितने बजे रहेगा? कल कौन सा दिन है? अच्छा मेरे, एक मिनट जाना मत। सैटरडे कल मीटिंग है ना पेरेंट्स का? कितना बजे रखें आप बताइए, कितना बजे रखें? सर आप यहाँ पे टाइम चूज करो। 8 बजे मॉर्निंग में पॉसिबल है सबके लिए या नहीं? नहीं पॉसिबल है ना? होगा सर, शाम में पॉसिबल है सबके। शाम में कितना बजे? 7 बजे? हाँ सर 7 बजे या 8 बजे? नहीं सर आपके ऊपर। सुबह में सभी कुछ पेरेंट्स के बाहर जाते होंगे या ड्यूटी होगा ये भी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि या तो 8 बजे या 7 बजे, कुछ कोई एक टाइम टेबल। तो मैं 7 बजे कल रख देता हूँ, चलेगा? इवनिंग से ऑफलाइन? क्या ऑनलाइन? ऑफलाइन अरे ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन क्योंकि ऑफलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कौन का कुछ बच्चे, मतलब 5-6 बच्चे, तो एक बच्चे तो विदर्भ में है, एक बच्चा 3-4 बच्चा वहां पे क्या सटाना देवला में, बराबर, और एक बच्चा राहुरी है, तो पॉसिबल नहीं है। और मान लो 7 बजे या आज ही बुलाऊं, कौन कहाँ है किस पोजीशन में, नहीं मतलब बनता है तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना? ओके 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 लेकिन अपना पीठ मजबूत करके रखना क्योंकि शिकायत भी होगी आप लोग की, और मेरी भी जितना शिकायत करना होगा अपने पेरेंट्स से कर देना। बहुत गाली देता सर, वो पेपर चेक हुए कि नहीं फिजिक्स के? नहीं बेटा, एक्चुअल में मेरा फोन थोड़ा सा फॉर्मेट मरा गया है, लेकिन फिर भी मैं सिस्टम में रखा हूँ, शायद मेरा हैंग कर गया था फोन ही एक दिन सर, लगा तो रिसेंड कर देंगे। हाँ आपके पास होगा, मैं देख लेता हूँ, नहीं तो रिसेंड कर दीजिए, मैं तुरंत चेक कर दूंगा। चलेगा सर। ओके सर बाय। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में आता हूँ।